बताए पैसे लेंगे बताने के <laughs> आप जल्दी से मेरे को डिजिटली पेटीएम पे से पैसे ट्रांसफर करो <laughs> <क्यों? laughs> आप है पेटीएम पे वैली है इसको मात्र सोच के तो <आगे laughs> आप यूज़ <laughs> नहीं इस टॉक की नेक्शन इस पेटीएम <laughs> अच्छा क्या बात है <laughs> <laughs> देखो क्या है ज़िंदगी में क्या रखा है यही तेजी यही मंदी यही चलती रहेगी लाइफ में दुखी हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा अच्छा एक और चीज़ मैं बताऊँ हमारे जो दर्शक दुखी है मार्केट घट गया पहली चीज़ तो यह कि अगर दुखी होने से मार्केट बढ़ता तो से में हो तो आपसे ज्यादा मैं होके दिखा मेरे में वो कलाकार ही है बोलो कितना दुखी होना है मैं भी हो ये तीनों को भी बहुत जोर से कर दूंगा कर देंगे इन तीनों तो कर सकते हैं ठीक है नहीं होगा ना दुखी होने से नहीं होगा आप और दूसरी चीज़ अच्छा दुखी नहीं होना फिर बोले क्यों फिर किस बात की फिर खुशी इस बात की भाई साहब साढ़े बारह हजार वाला साढ़े सात भी हुआ था mm. वापस होता है हाँ अब ट्रेडर का जहां तक सवाल है ट्रेडर को तो देखो आप तो सर पे हमेशा कफन लेके निकलते हैं घर से या तो आज जीत के आऊंगा या हार के आऊंगा yes. मेरा तो रोज का रोज निर्णय हो जाता है तो उसी पर है। बाकी इन्वेस्टर ठीक है है खराब है है इसमें लेकिन दुखी होने से क्या होगा कोई बात नहीं छह महीने तीन महीने मत देखो दो हफ्ते तीन हफ्ते मत देखो बैठे रहो आ जाएंगे भाव सब चीजों के भाव आते हैं हर इंडेक्स में वापस तेजी बनती है हाँ अब कुछ कुछ स्टॉक ही खराब हो गए तो एक अलग बात होती है कि जिनके भाव लेट आए ना आए स्टॉक स्पेसिफिक तो अलग चीज़ होगी बट ओवरऑल मार्केट तो आपको वापस घूम फिर के आता ही है ना तो इसलिए बहुत डरने घबराने की जरूरत नहीं है जिनको वैल्यूशन महंगे लग रहे थे वो भी रीजनेबल लेंगे अब ये कहना मुश्किल है कि तेबीस आठ सौ बोटम हो गया तेबीस पाँच सौ तेईस एक सौ क्या होगा वो वक्त बताएगा लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं तो इसी समय आपका टेस्ट होता है वो कौन सा था, था वो किसका कौन सी वो फेमस एक्ट्रेस थी जिसका डायलॉग था मर्लिन मुनरो का था कौन सा सर ये अगर आप मेरे बुरे वक्त में मेरे टेंटर हा, नहीं हां यू कांट हैंडल मी एट माय वर्स्ट यू डोंट डिजर्व मी एट माय बेस्ट हाँ ऐसे था सेम <laughs> 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 बराबर है ओए ये मार्केट है ऐसे ही है अगर आप उसको सब खराब टाइम पे आपको मार्केट को आप हैंडल नहीं कर सकते हो तब आपका प्यार नहीं पैसा लगाने का या इसके साथ बने रहें पैसा मतलब कम से अरे चलो तो ये कम से कम अच्छा तो बोलूँ अच्छा तो सोचो सही बात है तो फिर जब बेस्ट होगा मार्केट तब आपको रिवॉर्ड कैसे करेगा हमेशा फिल्मों में खाली ऐसा नहीं एंटरटेनमेंट होता ज्ञान भी मिलता है देखो मिला ना मिला <laughs> अच्छा खासा लिखने लायक <laughs> लिखने लायक है कि नहीं बिल्कुल, है बिल्कुल। तो ये तो उन्होंने श्रीमती मुन्द्रो जी नहीं बोला था पचास साठ साल पहले बोला <laughs> जब भी बोला हो आ, <laughs> बोला तो है ना आ, नहीं बोला ऐसा ये सब ज्ञान है आज दो लाइन दो चीजें आपने से एक तो ये वाली और दूसरी वो टाइम वाइज और प्राइस वाइज में एक में पैसा जाता है एक में दिमाग हाँ एक वो में, हाँ एक में पैसे का नुकसान होता है दूसरे में दिमाग टाइम वाइज कनेक्शन में दिमाग का नुकसान होता है एनी तो ये है चलिए आइए बढ़ते आएंगे पेटीएम आज का स्टॉक इन एक्शन और जबरदस्त एक्शन छः परसेंट और बार बार लगातार मैं आपको कह रहा हूँ कि इसको बेचने की गलती बिल्कुल मत करिए जिनके पास पुराने पड़े हैं डिलीवरी में पड़े हैं सही भाव में एंट्री की है पकड़ के रखी है इतने ख़राब बाज़ार में अगर स्टॉक एक्शन में आ रहा है धीरे धीरे जो चीज़ें ठीक होती दिख रही है न्यू एज कंपनी पर हमें बुलिश रहे हैं जब से इनकी पहला लाइसेंस वापस से आया तब से हम लगातार बुलिश हैं और मुझे लगता है दीप कि हज़ार का टारगेट तो मिनिमम है ही उसके बाद मैं रिवाइज़ करूंगा ओके okay. मैं देखूंगा उसके बाद क्या डेवलपमेंट कर सोचो बट डेटा टाइम आया इस तरह के मार्केट में तो क्या पचास बढ़ रहा है भाई ये तो रिलायंस से भी बढ़िया है रिलायंस तो उल्टा नीचे ले जा रहा हैं कम से कम ये मार्केट में टिका हुआ तो है ना तो इसलिए बने रहे डटे रहे टिके रहे ओके okay. बने रहे डटे रहे टिके रहे साढ़े के लेवल पर पीटीएम इस समय आइए बाकी स्टॉक्स और खबरों इवेंट्स के बारे में